हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? दोस्तों कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन? दोस्तों देखिए, दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आपको कराए जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं आपको, ठीक है। और मैंने आपको अभी तक जितना कुछ आएगा सफिशिएंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारा सब कुछ बता दिया है। बाकी जो टॉपिक्स रह रहे हैं उनको भी मैं कवर कर रही हूँ, लेकिन आप उनको देख नहीं रहे हैं। आज मॉर्निंग का जो एक लेक्चर क्लास हुआ था पॉजिटिव एटीट्यूड, आप लोगों ने शायद उसको नहीं देखा, क्योंकि बहुत कम फीडबैक आए मेरे पास उसके, ठीक है। तो जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, पेपर 11 से। तो दोस्तों आज फिर हम कुछ 20 प्रश्नों पर बात करेंगे, जो कि हमारे प्रश्नों का प्रकार रहेगा सत्य असत्य, यानी कि आदल ट्रू एंड फॉल्स टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 1 से लेके 20 तक, यानी कि 20 प्रश्नों पर बात करेंगे, और आज की क्लास हमारी 9वीं क्लास है, ठीक है। तो दोस्तों 20 प्रश्नों में हम ये देखेंगे पेपर 7 से 8 से 9 तक का। आज की जो क्लास है पेपर 7 और 8 और 9 तीन पेपरों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर 5 या 15 नंबर इस क्लास से पूरे पक्के आपके, अगर कहीं से भी कुछ आ जाता है तो 15 नंबर के लिए आज की क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों आप बहुत वीडियो को पूरा आप देखना, ठीक है, ऐसा नहीं आधा देखा और बस छोड़ दिया कि नीचे का तो हमें सारा पता है। क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछ सकता है, उसका मेथड क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन और टॉपिक हमेशा सेम रहते हैं, पूछने का तरीका हमेशा बदल जाता है आपका, ठीक है। तो दोस्तों क्या रहेगा उसका क्वेश्चन का टाइप, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे, ठीक। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने करना क्या है, सत्य असत्य करना है। लेकिन प्रश्न को जब हम सत्य असत्य करेंगे एग्जाम में, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, केवल और नहीं वाले शब्दों पर ध्यान देना है, और सत्य असत्य वाले जो प्रश्न होंगे उनको कम से कम 2 बार पढ़ना है, 2 बार उसको रीड करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। सतत और व्यापक मूल्यांकन में केवल शैक्षणिक कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन में शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। सतत माने होता है लगातार, व्यापक का मतलब होता है शैक्षणिक और शैक्षणिक, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो व्यापक में हमारा शैक्षणिक भी आ जाएगा और शैक्षणिक भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको सतत की जगह निरंतर शब्द लिखा हुआ मिल जाए तब भी मत घबराना, निरंतर और शैक्षणिक मूल्यांकन, ठीक है, इस तरीके से। या व्यापक मूल्यांकन, विस्तृत मूल्यांकन, एक ही चीज होती है। व्यापक विस्तृत का मतलब है फैला हुआ, विस्तृत बड़ा होना, ठीक है। अब उसमें शैक्षणिक गतिविधियां भी आ जाती है जो हमारे शिक्षा से संबंधित होती है, सहशैक्षणिक गतिविधियां भी आ जाती है, जैसे करिकुलर एक्टिविटीज हमारे शिक्षा संबंधित, को करिकुलर एक्टिविटी अगर हम बात करें तो को करिकुलर जितनी भी एक्टिविटीज है बच्चे से संबंधित वो करता है, उन सभी क्रियाओं का मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन में किया जाता है। और क्वेश्चन ने आपसे यहां ये पूछा है सतत और व्यापक मूल्यांकन में केवल, इस शब्द को हमें ध्यान रखना है, और ये इसमें ही नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपको केवल वाला शब्द और नहीं वाले शब्द का मोस्ट इंपोर्टेंट उसका आपको कंसंट्रेट करना होगा, कि आपको ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है कि इन नहीं और केवल शब्दों पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। शैक्षणिक कार्य का, ठीक है, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में केवल शैक्षणिक कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, तो शैक्षणिक नहीं शैक्षणिक कार्य का भी मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग होता है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सीपी कुर्सी में, अब सीपी कुर्सी यहाँ क्यों कहा गया, हम व्हीलचेयर भी बोल सकते थे, लेकिन हम यहाँ सीपी बच्चे के उसकी आवश्यकता के अनुसार हम सीपी बच्चे के अकॉर्डिंग बात करेंगे इस क्वेश्चन में। सीपी कुर्सी में फूले घुटने और टकने 60 डिग्री पर होते हैं, तो दोस्तों अगर हम सीपी बच्चे की व्हीलचेयर जिस पर सीपी बच्चा बैठा हुआ है तो उसके अगर सारे स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो सीपी कुर्सी में जो फूले और घुटने और टकने की जो डिग्री होती है वे 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि वे 90 डिग्री पर
होते हैं। ये ऑप्शन आपका एक नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि सीपी चेयर में बच्चे के टकने, घुटने और फूले के अनुसार 90 डिग्री पर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, छात्रों को 14 वर्ष की आयु से पूर्व व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि 14 वर्ष के बाद बच्चे को हमें प्री वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए उसमें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, है ना। तो प्री वोकेशनल एजुकेशन हमें 14 वर्ष से स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है हमारा, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, संचयी अभिलेख विद्यार्थी के शैक्षणिक इतिहास का अनुदैर्ध्य अभिलेख है। संचयी कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड जो है दोस्तों, वह क्या विद्यार्थी के शैक्षणिक इतिहास का अनुदैर्ध्य अभिलेख है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का अपने विद्यालय में एक संचयी अभिलेख होता है, जिसमें बच्चे से संबंधित सारी जानकारियां, प्रपत्र और रिकॉर्ड्स इकट्ठे होते हैं। उस रिकॉर्ड्स को हम कम्युनिकेटिव या फिर उसको हम संचयी अभिलेख बोलते हैं। उसकी प्रगति का हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो सारे उसमें इकट्ठे होते हैं, और वो प्रशासन, विद्यालय प्रशासन उसको संगठन रूप से एक संचयी अभिलेख के रूप में व्यवस्थित रखा है और रखा जाता है। जबकि विद्यालय से अगर छात्र पास आउट हो भी जाता है, फिर भी वह बहुत सालों तक रखा रहता है। वह एक अभिलेख ऐसा है जो जीवन पर्यंत चलता है, जिसमें हमें विद्यार्थी से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त हुई है। उसने पहले एजुकेशन कहाँ से ली, उसका अगर हम बात करें 10वीं क्लास का रजिस्ट्रेशन क्या था, क्या पंजीकरण संख्या थी, क्या कक्षा में उसकी रोल नंबर रहा था, ये सारी चीजें उनका सबका रिकॉर्ड विद्यार्थी का संचयी अभिलेख में रहता है, ठीक है। तो संचयी अभिलेख विद्यार्थी के शैक्षणिक इतिहास का अनुदैर्ध्य अभिलेख है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्यक्रम विस्तृत और शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। अब देखिए इन्होंने क्या है, एक ऑप्शन सही दे दिया इसमें शब्द और एक गलत दे दिया, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है इसके लिए। देखिए, पाठ्यक्रम विस्तृत तो होना चाहिए, यानी कि फैला हुआ होना चाहिए, शैक्षणिक और शैक्षिक सभी क्रियाओं से सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है, संबंधित होना चाहिए, ये चीज ठीक है। लेकिन उन्होंने यह कह दिया शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम आजकल हम बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, छात्र केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है और चल भी रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम का जो केंद्र बिंदु होता है छात्र होता है, इसलिए पाठ्यक्रम हमेशा छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित होना चाहिए। उसकी आवश्यकता, क्षमता और उसकी विशेषता और उसके स्तर के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तो यह शिक्षक का कोई यहाँ पर पाठ्यक्रम योजना में शिक्षक का रोल है, लेकिन पाठ्यक्रम केंद्रित किस पर होता है, छात्र पर होता है, विस्तृत होता है। उन्होंने सही लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन इसी तरीके से आपको घुमाएगा और आपको लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ सही, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, विस्तृत क्षेत्र विधि, हमने पाठ्यक्रम विकास की विधियां पढ़ी है, विस्तृत होता है पाठ्यक्रम प्रकार भी हमने इसका पढ़ा है, ठीक है। लेकिन शिक्षक केंद्रित अब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा, अगर सुलभ की बात करें, अच्छे पाठ्यक्रम की बात करें और अगर केंद्रित की बात करते हैं, पाठ्यक्रम किस पर आधारित होता है, छात्र पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम का आधार बिंदु कौन है, छात्र है। पाठ्यक्रम किस पर केंद्रित होना चाहिए, छात्र पर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो पाठ्यक्रम छात्र पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक पर, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राष्ट्रीय न्यास यानी कि नेशनल ट्रस्ट की स्थापना 99 में हुई थी, 1999 में राष्ट्रीय न्यास नेशनल ट्रस्ट, ठीक है, नेशनल ट्रस्ट की स्थापना 1999 में हुई थी। और ये ऑप्शन, ये जो कह रहे हैं उन्होंने, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल ट्रस्ट के अंदर चार प्रकार की दिव्यांगताओं को रखा गया, या चार प्रकार की दिव्यांगताओं पर बात की गई। कौन कौन सी थी, एक तो हमारी सीपी थी, दूसरी आईडी थी, और ऑटिज्म थी, ठीक है, और एक और थी एमडी, मल्टीपल डिसेबिलिटी,
सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इन चार प्रकार की दिव्यांगताओं पर बात की गई थी नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1999 में हुई, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ये चीज आप नोट कर लें और ध्यान रखें इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, UNCRPD का 50 अध्यायों में विस्तार है, यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है UNCRPD जो है वह 50 यानी कि 50 आर्टिकल्स में उसका एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि UNCRPD के आर्टिकल्स 50 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये बात, क्योंकि 2009 में ही इस योजना प्रारंभ हुआ। अगर हम बात करें ये अधिनियम 2009 में बना है और इस अधिनियम का ये प्रावधान रखा था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य मुफ्त शिक्षा, ठीक है, सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है मुफ्त और अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी, और ये एक मौलिक अधिकार अधिनियम के रूप में बना था, ठीक है, और कब बना था, 2009 में। तो ये हमारा जो बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यथार्थवादी शिक्षा वैज्ञानिक प्रगति में सहायता करती है। यथार्थवादी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो मानववाद को भी सहायता करती है, ठीक है। रियलिज्म एजुकेशन या रियलिज्म एक ऐसा यथार्थवाद एक ऐसा है जो मानव पर आधारित है, खोज पर आधारित है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसने खोज के लिए ज्यादा बल दिया है, खोज पर बल दिया है, जिसमें बच्चा जिज्ञासु होता है, खोज करता है नई नई चीजों का, ठीक है, काल्पनिक रूप से। तो इसलिए वैज्ञानिक प्रगति में ये सहायता करती है, क्योंकि यथार्थवादी जो है खोज पर बल देता है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, वंशानुगत स्थिति स्वालीनता को प्रभावित करने वाला एक कारक है। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, हमने क्वेश्चन एक ये भी किया था लास्ट क्लास में, बता रही कि ऑटिज्म अनुवांशिक होता है, ऑटिज्म अनुवांशिक नहीं होता है। अगर कोई भी उनके पेरेंट्स में जेनेटिक्स यानी कि परिवार में किसी भी प्रकार का कोई और सिंड्रोम है तो उसका कारण डाउन ऑटिज्म हो सकता है, लेकिन अगर आपके घर में कोई ऑटिज्म है, दूसरा बच्चा भी ऑटिज्म हो, तो ये जेनेटिक कंडीशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑटिज्म कभी जन्मजात नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों और लेकिन इसका एक प्रभावित कारक, जैसे कि अगर हम बात करें फ्राइजल एक्स सिंड्रोम हो गया, तो इसका एक हो जाएगी कि वंशानुगत स्थिति में ये कारण रहा होगा फ्राइजल एक्स सिंड्रोम का, जिसके कारण बच्चे को प्रभावित किया और बच्चा ऑटिज्म हो गया, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, HAD का मतलब है हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ध्यान का अभाव अति चंचलता संबंधी विकार है। देखिए दोस्तों, HAD हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ध्यान का अभाव, अब यह ध्यान अति चंचलता विकार तो है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर अति चंचलता विकार बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान का अभाव ADHD में होता है, ADHD में होता है टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, HAD में केवल अति चंचलता विकार पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और एक चीज ध्यान रखना, सभी के लक्षण अलग है, ADHD इसका भी अलग होगा, ठीक है, इसमें ध्यान का अभाव हो रहेगा, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट, HAD में आप बच्चे में क्या अति चंचलता देखेंगे, ठीक है, और ADD अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें केवल ध्यान का अभाव रहेगा, इसमें तो हाइपर एक्टिव है, ठीक है, अटेंशन के साथ हाइपर एक्टिव भी है, इसमें केवल हाइपर एक्टिव है, इसमें केवल ध्यान की कमी रहेगी ADD में, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, अटेंशन, ठीक है। अब देखिए ADHD हो गया, ASD, ये हो गया ASD,
इसमें सभी प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं क्योंकि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब अपने आप में अलग अलग हैं, ऑटिज्म भी अलग है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि एडीएसडी, एचएडी, एडीडी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, एडीजी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, सारे अलग अलग है। इन चीज का आप ध्यान रखना क्वेश्चन को करने से पहले, तभी मैं बोल रही हूँ आपको क्वेश्चन को पूरा करने से पहले या क्वेश्चन पे आप कोई भी उसका चयन करेंगे सही गलत का, तो आप कम से कम क्वेश्चन दो बार रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, ऑटिज्म विभिन्न विकारों का एक समूह है। देखिए दोस्तों ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार तो है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बच्चे का संप्रेक्षण और सामाजिक कौशल जो है प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब ऑटिज्म में ये चीज देखिए दोस्तों, विभिन्न विकार नहीं होते, ठीक है, विभिन्न विकार होते हैं हमारे एएसडी में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो कि विभिन्न विकासात्मक विकारों का समूह विकार है, ये एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। तो दोस्तों ऑटिज्म विभिन्न विकारों का समूह नहीं है, ऑटिज्म अपने आप में एक है और उसके विभिन्न बहुत सारे प्रकार जरूर है, लेकिन हर प्रकार की कंडीशन कॉजेस सब अलग अलग है, ठीक है। तो दोस्तों ऑटिज्म विभिन्न विकारों का समूह नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बहुविकलांगता में दृष्टि संबंधी अक्षमता अनिवार्य है। देखिए दोस्तों अगर हम मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात करें, ये चीज मैंने आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी में जब मैंने आपको कराया था तो भी बताया था, और कई बार मैंने ये क्लासेस में ऐड किया है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि बहुविकलांगता में दृष्टि संबंधी अक्षमता अनिवार्य है। बिल्कुल सही, क्योंकि बहुविकलांगता को हम तब तक नहीं कह सकते दो या दो से अधिक प्रमाणित विकलांगताओं के साथ, उसमें हमें अगर दृष्टि से संबंधी कोई अक्षमता या कोई क्षति नहीं है तो हम उस व्यक्ति को बहुविकलांगता के अंतर्गत नहीं ला सकते। देखिए दोस्तों बहुविकलांगता में जरूरी नहीं है पूर्ण दृष्टि दोष हो, उसमें आंशिक रूप से यानी कि लो विजन हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो होगी आसपास में। आप देखिए मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को हो सकता है उसका कोई ना कोई आपको दृष्टि दोष उसमें जरूर मिलेगा, तब हम उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति कह सकते हैं। तो इसलिए बहुविकलांगता में दृष्टि संबंधी अक्षमता अनिवार्य है, तभी हम उस व्यक्ति को मतलब बहुविकलांगता वाला या मल्टीपल डिसेबल बोल सकते हैं उसे, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी मॉडल का उपयोग व्यवहार परिमार्जन करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही, व्यवहार परिमार्जन करने के लिए ए बी सी मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ए बी सी मॉडल क्या है, एक विधि बोल सकते हैं, एक तकनीक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे व्यवहार परिमार्जन करने की विधियां हैं एबीसी मॉडल, जिसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के व्यवहार परिमार्जन कर सकते हैं बच्चों का। और ए का मतलब होता है एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववत कार्य, पूर्ववत घटना। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार जब घटित हो रहा है, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब यहाँ पर सी है, कॉन्सिक्वेंस यानी कि उसका परिणाम क्या निकला, ठीक है दोस्तों। तो एबीसी मॉडल द्वारा हम इनको अलग अलग करके और इसमें आकलन करके एबीसी मॉडल से हम व्यवहार, जो हमारा व्यवहार घटित हो रहा है अवांछनीय व्यवहार घटित हो रहा है, उस व्यवहार घटित होने की संभावना और उसके कारण को जान सकते हैं एबीसी मॉडल द्वारा। तो एबीसी मॉडल का उपयोग व्यवहार परिमार्जन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 15, PDDASD का एक प्रकार है। ASD तो अपने आप में ही स्पेक्ट्रम है यानी कि विभिन्न विकारों का समूह है। तो दोस्तों PDD परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसका नहीं है, ऑटिज्म का प्रकार है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। ASD का प्रकार नहीं है, ऑटिज्म का एक प्रकार है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड इसका पूरा नाम है, ठीक है, या शॉर्ट में लिखा हुआ है केवल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बालक का शारीरिक मानसिक विकास करना प्राथमिक शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। देखिए दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अगर हम बात करें तो छात्रों में हम क्या करते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास
करना उनका एक मुख्य लक्ष्य मुख्य उद्देश्य होता है। और कैसे हम उसको पूरा करते हैं, खेल विधि के द्वारा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए हम खेल विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं और खेल से बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास होता है। तो दोस्तों बालक का शारीरिक और मानसिक विकास करना प्राथमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य या मुख्य उद्देश्य है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, चिकित्सा प्रबंधन, व्यवहारिक प्रबंधन, शैक्षणिक प्रबंधन, ये सभी अधिगम अक्षमता प्रबंधन के क्षेत्र है। यानी कि इन्होंने हमसे अधिगम अक्षमता के सारे क्षेत्र दे दिए, इन्होंने किस तरीके से हम उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, LD बच्चों का, लर्निंग जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं उनका प्रबंधन के लिए हमें उनके तीन क्षेत्र हैं कौन कौन से, चिकित्सा प्रबंधन, व्यवहारिक प्रबंधन और शैक्षणिक प्रबंधन, ठीक है। और ये सभी अधिगम अक्षमता प्रबंधन के क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और एक नंबर के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि अधिगम अक्षमता प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दोस्तों चिकित्सा प्रबंधन, व्यवहारिक प्रबंधन और शैक्षणिक प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, या 18 नहीं है भाई, चलो कोई नहीं। रेड डिसऑर्डर में 6 महीने तक सामान्य विकास पाया जाता है, बिल्कुल सही है। रेड डिसऑर्डर अधिकतर लड़कियों में पाया जाता है और 6 महीने तक बच्चे में बिल्कुल नॉर्मल डेवलपमेंट चलता है। अगर माइलस्टोन के अकॉर्डिंग देखें 3 महीने में बच्चा क्या है, सोशल स्माइलिंग करने लगता है, ठीक है, और अपनी प्रतिक्रिया देने लगता है, आवाज को सुनकर वह बहुत जल्दी रिएक्ट भी करने लगता है, ठीक है दोस्तों, रिस्पॉन्स करने लगता है। 6 महीने तक तो बैठने भी लगता है सपोर्ट के साथ। तो दोस्तों ये यहाँ तक बच्चे में रेड डिसऑर्डर, जिस बच्चे को होता है रेड डिसऑर्डर में, बच्चे में 6 महीने तक सामान्य विकास पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हार्मोन्स की उत्पत्ति के लिए आयोडीन आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। अगर हार्मोन्स में आयोडीन की कमी होगी तो उसका कारण क्रेटिनिज्म हो जाएगा, ठीक है, उसका कारण क्रेटिनिज्म हो जाएगा, जो कि एक बौद्धिक अक्षमता का नैदानिक प्रकार है, बौनापन। क्योंकि हार्मोन्स की उत्पत्ति में आयोडीन की कमी होना ही क्रेटिनिज्म की एक कंडीशन है। तो दोस्तों हार्मोन्स की उत्पत्ति के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है पूर्ण मात्रा में। तो दोस्तों आज भी हमने पूरे 19 प्रश्नों पर बात कर ली, ठीक है, एक कम है, वो मिस्टेक हो गया है यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट में एक एक्स्ट्रा कर देंगे। और देखिए दोस्तों बहुत जल्दी आपको मैचिंग से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जो आजकल मैं आपको लेक्चर वीडियो करा रही हूँ दोस्तों, उन क्लासेस को जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सा मोस्ट हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। इसलिए हर एक क्लास को आप देखते रहिए, अगर कुछ गलत लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।